से प्रभु मूरत देखे दिन तैसे है क्या। यह सनातन परंपरा वाला देश है और यह लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह देश संविधान से चलता है। तो हमारी संवैधानिक लड़ाई है, मैं कहां रोड पे उतर रहा हूं, कहां खून खच्चर कर रहा हूं, कहां मैं जैसे कहां हमारी बहन बोल रही थी, अभी बहन बोल रही थी कास्ट में और तालिबानियों में क्या अंतर हो जाएगा, जमीन आसमान का फर्क है। बाकी धर्म के जो लोग हैं फिर वो उनको ये नहीं लगेगा कि हम इंफीरियर हैं क्या? नहीं, मैं इसी पे एक मिनट मैं समझ चाहता हूँ। हाँ, यह सनातन परंपरा वाला देश है, यह हिंदुस्तान है, इसीलिए यहाँ पर ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी रह रहे हैं। पास का ही मुल्क है, अन्यथा मत लीजिएगा। अभी तत्काल की घटना है, ये दो दिन पहले की घटना है, बगल में पाकिस्तान है, 9 वर्ष की कन्या थी और पड़ोसी ने कहा कि हम इसके बेटी से शादी करना चाहते हैं। माँ ने कहा कभी मेरी बेटी की उम्र 9 साल है, हम सनातनी हैं, हम आपके मजहब में शादी नहीं कर सकते। उनको लोग उठा ले गए उनके पति को इस निंदा कानून के तहत, और लोगों ने पुलिस थाने के सामने में आग जलाकर मार दिया। हिंदुस्तान में तो यह संभव नहीं है। हिंदुस्तान में आप देखो, जब धर्म के आधार पर, एक मिनट और लूंगा, धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा होता है, उस समय में हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ होती है, आज 40 करोड़ है। कैसे कह सकते हैं किसी को आपत्ति है? आप देखो पाकिस्तान में 3 करोड़ था, 0 बराबर हो गया। अफगानिस्तान में भी तत्काल की घटना है, 14 मंदिर को तोड़ दिया गया, कई हजार लोग चौटिल हुए, हम तो कभी चर्चा नहीं करते। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा ना कि इसीलिए हम हिंदुस्तान में,